आज मैं लिख रही हूँ आप लोगों के लिए गुरुद्वारे में बनने वाले कड़े प्रसाद की रेसिपी। इस प्रसाद को बनाने के लिए आटे का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रसाद को तैयार करने के लिए 5 से 6 मिनट लगते हैं। घर में पूजा हो तो बहुत ही सरल तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं ये रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कड़ा प्रसाद की रेसिपी। हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रमिलास किचन जोन। कड़ा प्रसाद तैयार करने के लिए हमको चाहिए एक कढ़ाई या पैन का इस्तेमाल करें और उसको मीडियम फ्लेम पे गर्म होने दें। अब टीस्पून से नापते हुए लगभग 2 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। कढ़ाई में घी डालने के बाद जब घी पिघलने लग जाए तब लगभग आधा कटोरी गेहूं का आटा और आटे में लगभग 2 से 3 चम्मच चने का बेसन ऐड करते हुए कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखते हुए आटे की 5 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भूनते हुए जब आटे का कलर चेंज हो जाए और भुनाई करने के बाद जब आटा थोड़ा सा ब्राउन कलर में आ जाए, देखिए इस तरीके से जब कलर चेंज हो जाए तो समझ लीजिए आटे की भुनाई बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई है। अब इसके बाद हमको ये ध्यान देना है सिर्फ ब्राउन कलर होने तक ही आटे को पका, इससे ज़्यादा आटे को ना पकाएं। अगर हम आटे को ज़्यादा टाइम तक पका लेंगे तो हलवे का टेस्ट खराब हो जाता है। बस इस तरीके से इसको कंटिन्यूस चलाते हुए भुनाई कर लेना है। अब देखिए आटे की भुनाई अच्छे से हो चुकी है और ये ड्राई हो चुका है। इस तरीके से पकाते पकाते इसको ड्राई होने दें। जब आटा इस तरीके से ड्राई कंडीशन में आ जाए इसके बाद इसमें ड्राई नट्स कट करके डाल देंगे। इसके बाद इसमें 2 चुटकी इलायची का पाउडर डालेंगे। अब हल्का सा ड्राई नट्स डालने के बाद इसको रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है इसमें पानी ऐड करने की। अगर आपने 1 कटोरी आटे का इस्तेमाल किया है तो इसी कटोरी से नापते हुए लगभग 3 कटोरी हमको पानी का इस्तेमाल करना है। आटे में पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद आपको जितनी मिठास रखनी हो लगभग 2 से 3 चम्मच आप इसमें चीनी का इस्तेमाल करें। मैं टीस्पून से नापते हुए लगभग 3 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इतना करने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम रखें। अब इसको फिर से कंटिन्यूस चलाते रहें जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। अब जैसा कि आप देख ही सकते हैं इसको पकाते रहने पे पानी सूखने लगेगा। अब 2 से 3 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को फुल करें और उसके बाद पूरी तरीके से इसको ड्राई होने दें। अब आप देख सकते हैं हलवा पूरी तरीके से ड्राई होने लगा है और हलवे में से फिर से घी छोड़ना शुरू हो गया है। यही सही तरीका होता है गुरुद्वारे वाला कड़ा प्रसाद बनाने का। कड़ा प्रसाद बनकर एकदम तैयार हो चुका है। अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। अगर आप लोग भी मंदिर के लिए या गुरुद्वारे के लिए कोई प्रसाद तैयार करना चाहते हैं तो इस तरीके से ये टेस्टी कड़ा प्रसाद बनाकर जरूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही। और भी इस तरीके की इजी टू कुक रेसिपी मैं लेकर आने वाली हूँ। इस तरीके की और भी रेसिपी वीडियो अपडेट्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।